तो दोस्तों इस वीडियो में HP का ये प्रिंटर है आपका, देख सकते हैं M1005। और इस सीरीज के HP का कैनन का जो भी प्रिंटर है उसके लिए बेस्ट इन्वर्टर कौन सा है तो आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा और सारा चीज़ दिखाऊंगा। आज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं 250 एम्पियर का जो टॉल ट्यूबलर ल्यूमिनस का बैटरी मैंने ले रखा है और 1450 वाट का ये इन्वर्टर है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 1450 वाट का ये इन्वर्टर, ये भी ल्यूमिनस का ही है। तो अब इसको क्या करते हैं, कितना में खरीदा है, सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसको पावर देते हैं, पावर देकर देखते हैं कि क्या लोड लेता है या नहीं लेता है। तो देखिए जब भी पावर दीजिएगा तो घर का जितने भी सामान है, जैसे है ना, बल्ब देख सकते हैं मिलमिलाहट हो रहा है हल्का, सारा पंखा वगैरह बंद कर लीजिएगा क्योंकि लोड लेने में कभी भी इन्वर्टर जो है आपका इन्वर्टर से चलाते हैं या डायरेक्ट आप लाइन से भी चलाइएगा, थोड़ा सा ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर है ना, देखिए कि अब मेरा सिस्टम जो है ऑन है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर ऑन है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ प्रिंट आउट करके आपको दिखाऊँगा। जैसे अभी हमको कुछ पेजेस करना है, जैसा आप देख सकते हैं लाइन कटने पे बीपिंग करता है आपको, है ना, ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मेरे को कुछ है ना पेजेज करना, जैसे यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर रखा है 12 पेज करना है, तो ये मैं अपना यहाँ से मैं प्रेस कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ मेरा प्रिंट आउट हो रहा है। हाँ, जब भी देखिए इन्वर्टर वगैरह पे जब प्रिंट आउट कीजिए तो सारा सिस्टम देखिए प्रिंट आउट भी सही है। मतलब प्रिंट आउट जब सही हो तब समझ लीजिए कि आपका प्रिंटर जो है सही है। यहाँ पर देख सकते हैं कहीं भी कोई लिखावट में कोई कमी नहीं, मिट भी नहीं रहा, मतलब आपका ये लोड ले रहा है। तो अब मैं चर्चा करूँगा क्या ये मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। आप अपने दुकान में गर्मी के दिनों में देखते हैं आए दिन परेशानी होती है, तो उससे मुक्ति भी मिल जाएगा अगर घर में यूज करते हैं और दुकान में पंखा वगैरह लैपटॉप सिस्टम चलाते हैं सब चीज़ चलेगा, टेंशन नहीं लेना। अब उसका मैं पूरे खर्च बताने वाला, जैसा कि देख सकते हैं यार 250 एम्पियर वाला जो बैटरी है इसकी कॉस्ट अभी आपको 22,000 से 23,000 के आसपास में ऑफलाइन मिल जाएगा। ये सर बैटरी वगैरह जब भी लीजिए ऑफलाइन लीजिए, क्योंकि आपको अपने अनुसार वहाँ जितना ज़रूरत है उसके अनुसार वो लोग आपको डिसाइड करेंगे, कुछ हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ इन्वर्टर जो 1450 है तो ये काफ़ी ही अच्छा मुझे लगा। चलिए अब नेक्स्ट हम इसको प्रिंट करते हैं फिर, है ना, पेज मैंने उसे लगा रखा है यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए फिर मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ क्या प्रिंट होता है या नहीं होता। देखिए यहाँ पर प्रिंट आउट फिर बढ़िया सा चमकदार ढंग से आ गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर बैटरी कमज़ोर रहेगा तो हमारा प्रिंटर लोड नहीं लेगा। मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ जो कमज़ोर बैटरी पर बता देते हैं वीडियो, है ना, चलाने के लिए प्रिंटर चलाने के लिए वीडियो में, वो सबसे बड़े मूर्ख चलाने वाले हैं और बताने वाले भी हैं। एक्चुअली बात है कि अगर इसको छोटा बैटरी चलाइएगा तो इसका बोर्ड ख़राब हो जाएगा, उनका वीडियो देख के आप तो खुश हो जाइए कि भाई चलो मेरा काम हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपका काम हुआ नहीं, काम बिगड़ गया, बोर्ड में प्रॉब्लम आपको आ जाएगा, कुछ कोई हेल्प नहीं करने वाला। इसलिए इन्वर्टर बैटरी एक ऐसा ख़रीदें कि आपका सारा काम हो जाए और ढंग से काम हो जाए, कहीं कोई परेशानी नहीं हो। तो इससे संबंधित और भी कोई डिस्कशन चाहिए, कोई प्रिंटर मोबाइल कंप्यूटर संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9102181123, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी पेज मुझे बहुत सारा करना है तो मैं करके आप लोग को है ना बताता हूँ अपना अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या ये प्रिंटर और आपके लिए ये जो इन्वर्टर और बैटरी सही है या नहीं है। तो मेरा सजेशन है मैं यूज़ करता हूँ आए दिन अपने घर में, क्योंकि गर्मियों के दिन में आजकल जो है समस्या बहुत ज़्यादा है, उन समस्याओं के कारण मैंने इन्वर्टर और बैटरी रिसेंटली है ना 1 महीना पहले लमसम 1-1.5 महीना पहले लिया, जो काफ़ी अच्छा यूज हो रहा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, एक मेरा प्रयास था आप लोग तक मैसेज देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या बात है,